बाबा थैंक यू। चलो भाई। अपनी जात भूल गए? उतार अपने छोरे को घोड़ी से और पैदल ले जा। मेरा बेटा ब्याने जा रहा, वो तो घोड़ी पे ही जावेगा। थैंक यू। जिद ना कर गोपी, अंजाम अच्छा नहीं होगा। बाबा क्यों झगड़ा करते हो, मैं उतर जाता हूँ। नहीं, तू घोड़ी पर ही जावेगा। ठाकुर, मैंने भी 20 बरस पुलिस में नौकरी की है, मैं कानून से अच्छी तरह वाकिफ। कानून की दुहाई कोर्ट कचहरी में देना गोपे, यहाँ वही होगा जो सदियों से होता आया है। आप सुन रहे हैं थानेदार साहब, इनको बताइए कि कानून क्या कहता है। वो ठीक कहते हैं गोपी, तुम्हारा बेटा घोड़ी पर बैठकर यहाँ से नहीं जा सकता। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारे जाति वालों को घोड़ी पर बैठने का कोई हक नहीं। 20 बरस सरकार की नौकरी करने के बाद मुझे मेरी जात बता रहे हो? थैंक यू। वो लोग क्या कहते हैं और तुम क्या कहते हो मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि कानून क्या कहता है। सदियों से चली आ रही परंपरा के सामने कानून को सर झुकाना पड़ता है गोपी। कानून का सर तो कभी नहीं झुकता। हाँ, तुम जैसे कानून के रखवालों का सर जरूर झुक सकता, जो कानून के दरवाजे से ज्यादा अमीरों की चौखट को सलाम करते हैं। जबान को लगाम दो गोपी। आज ना कोई गोपी की जुबान रोक सकता है ना गोपी के कदम। आगे बढ़ो साथियों, छोरे को घोड़े से उतारो। खबरदार, किसी ने मेरे बेटे को हाथ लगाया तो उसे जान से मार डालूंगा। ले लो साहब।
बेटों से ऐसा सलूक करते हो? चुपचाप चाबियां और गहने हमारे हवाले कर दो। हुकुम, कल रात बड़े मालिक की हवेली लूटी गई, सारा माल ले गए। तुम थाने चलो, हम आते हैं। अच्छा, हुकुम। थानेदार साहब, ये हम डकैती के बारे में क्या सुन रहे हैं? बड़े ठाकुर की हवेली लूट गई हुकुम। आप लोग कहाँ थे? हम पहुंचे थे हुकुम, लेकिन डाकू भाग गए थे। हमारी पुलिस आम तौर पर उसी वक्त पहुंचती है जब मुजरिम वारदात करके जा चुका होता है। गलत ना समझे हुकुम, हवेली बहुत दूरी पे है और खबर भी हमें बहुत देर से मिली। डाकुओं का कुछ अता पता? सूरज भान का गिरोह। सूरज भान यहां का कोई बाशिंदा है जो उनके साथ मिला हो? एक है हुकुम। कौन? रंजीत सिंह चौधरी। सूरज भान के साथ उसका ताल्लुक साबित हो चुका है। और वो अभी तक आजाद घूम रहा है? जी जी जी, क्या कर रहे हैं आप, उसे फौरन गिरफ्तार कीजिए। बाकी हम संभाल लेंगे। जी हुकुम, वो सूरज भान अपने दो एक साथियों को लेकर झालर आ रहा है। कब? आज रात को। कमबख्त, तुम्हें भी आज ही रात को ये खबर लानी थी। अगर ये खबर गलत निकली, गर्दन कटवा दीजिए हुकुम। बस ये समझ लीजिए कि सूरज भान ने खुद ये खबर दिया मुझे। ठीक है, तुम जीप तैयार करो, अभी इसी वक्त। जो हुकुम। अगस्त
गोपी दादा। अरे गोपी दादा, आज तो ऊपर वाले ने हाथ दे के रख लिया, वरना हम दोनों ने एक दूसरे को मार लिया होता। तो भी क्या होता, हमारे तो साले दो पुलिस वाले जाते। अरे गोपी दादा, ए गोपी दादा, ये देखो, देखो पुलिस की वर्दी, ये गोपी दादा तुम बोलते क्यों नहीं हा? क्या हो गया तुम्हें दादा? बोलो ना गोपी दादा, तुम बोलते क्यों नहीं? क्या हो गया तुम्हें? तुम चुप क्यों हो गोपी दादा? बोलो गोपी दादा। ना वो थैंक यू, ना वो हंसी, हाँ क्या हो गया है तुम्हें? जाते हुए मोहन सब साथ ले गया मास्टर जी। तुम्हारे जैसा मर्द रोता है तो आसमान का सीना फट जाता है। बस गोपी दादा, बस। मैं रोता नहीं मास्टर जी, पर जब कोई अपना मिल जाता तो दिल भर आता। मैंने तो जानबूझकर मोहन का अफसोस भी नहीं किया। उस मासूम को ले जाते वक्त कब वक्त मौत को भी शर्मा की होगी। ए मास्टर जी, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ सुन चुका हूं, अब आ गए हो। मेरी बंदूक, मेरे हाथ तुम्हारे हवाले, और बना डालो ऐसी दुनिया जिसमें मेरा मोहन घोड़ी पे बैठ सके। हाँ गोपी दादा, ऐसी दुनिया जरूर बनेगी, हम मिलकर बनाएंगे। थैंक यू। देर हो गई तुमसे, चार छह जानवर सरहद की तरफ चले गए थे, वापस लेकर आ। थोड़ी देर आराम कर ले, बहुत थक गया होगा। एक शर्त पर। क्या? मैं अपना सर जमीन पर नहीं रखूंगा। चल। आ। देख क्या रहा है, आंखें बंद कर और सो जा। आंखें बंद नहीं होती। क्यों? इधर से धूप जो पड़ रही है आंखों में। अच्छा ले, अब चिलमन कर दी, सो जा। एक बात पूछूं तुमसे? हम्म। ये बाल तू कब तक खुले रखेगी? जब तक तू इन्हें अपने हाथों से नहीं बांधेगा। अब तुझे ज्यादा दिन इंतजार करना नहीं पड़ेगा, दो चार दिन में मैं तेरे मामू से बात कर लूंगा। अब तो सो जा। तेरे जानू पे सर रख कर सो जाए, वो तो या बच्चा होगा या फरिश्ता। कोई मर्द का बच्चा सो नहीं सकता।
Mm-hmm.